स्टार बनने का जो अजय देवगन नहीं कर सकते, वेदर इट्स एक्शन, इमोशन, कॉमेडी, ड्रामा एंड डांस. आई थिंक राइट फ्रॉम हिज फर्स्ट फिल्म म्यूजिक ने इनका बहुत साथ दिया था. उलो काटे का म्यूजिक बहुत बड़ा है, गॉट अ लॉट ऑफ म्यूजिकल हिट्स, सो ही कैन डू एवरीथिंग एंड जस्टिफाइबली डांस किया इन्होंने. माय डायरेक्टर इज हैप्पी, आई एम हैप्पी. नो, माय ऑडियंस इज हैप्पी दैट आई एम हैप्पी. एंड आई प्रॉमिस यू, अजय देवगन ने हिम्मत वाला में उसी तरह डांस किया है जो लोग इनसे एक्सपेक्ट करेंगे एज अ हीरो. जो आप सुनते नहीं, जो आप गुनगुनाते, जो आप गाते हैं, सच बात है, सही बात. और मेरी फिल्मों का मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि म्यूजिक, क्योंकि बैकबोन होता है फिल्म का, म्यूजिक अगर हिट होता है तो फिल्म के चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि म्यूजिक मेरा सुपर हिट रहे. ये मेरी चौथी फिल्म है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इट्स माई बेस्ट म्यूजिक अप टू डेट. काफी आइटम्स होते हैं आजकल, आइटम सॉन्ग, आइटम सॉन्ग. इस फिल्म के अंदर मम्मी आइटम है, मतलब आइटमों की माँ मम्मी आइटम. उसकी वजह यह है कि फर्स्ट टाइम यू विल हियर शीला एंड मुन्नी सिंगिंग टुगेदर, यानी सुनिधि चौहान एंड ममता शर्मा विद बप्पी दा. फाइव डिफरेंट लैंग्वेजेस, फाइव डिफरेंट टॉप मोस्ट अपने स्टेट्स की हीरोइंस आर देयर इन दिस एंड वन आइटम सॉन्ग. आई थिंक दैट आइडिया इटसेल्फ इज वेरी फैंटास्टिक. व्हेन दैट्स व्हाई यू कॉल इट मम्मी आइटम. ये मेरी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर जो मैंने एज अ फैन भी बनाई. और जब मैं इसका ड्राफ्ट लिख रहा था, और इसका आप मानेंगे नहीं मानेंगे, 2007 में मेरी पहली पिक्चर आई थी ये बेबी. मैं हमेशा चाहता था हिम्मत वाला मेरी पहली पिक्चर, मैं तब से इसका ड्राफ्ट लिख रहा था. और तब से ही मैं इसका ड्राफ्ट सिर्फ अजय के लिए लिखा, बिकॉज मुझे नहीं लगता इस देश में, जब मैं आंख बंद करता हूँ मैं पोस्टर सोचता हूँ कि हिम्मत वाला, हु कैन बी स्टैंडिंग देयर, आई कैन ओनली थिंक ऑफ अजय. तो मैं तब से इन्हीं के लिए लिखा.